गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल टच एग्जाम में फिर से एक बार स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का आखिर फीस स्ट्रक्चर्स क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर यहाँ का फीस स्ट्रक्चर क्या है बताइए। तो फिर हम आज सोचे कि इस वीडियो में आपको पूरी तरह से जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का जो फीस स्ट्रक्चर है मैं पूरी तरह से आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या है आखिर अलग अलग कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, हम अभी जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन या पेज पे हम आ चुके हैं। और आपको बता दें ये 2019 का फी स्ट्रक्चर है और आगे ऑनवर्ड मतलब आगे का फी स्ट्रक्चर आपका यही रहने वाला है। थोड़ा सा इसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है या तो कुछ भी वेरिएशन आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए फी स्ट्रक्चर ऑफ सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स फ्रॉम 2019-20 एंड ऑनवर्ड, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ पे जो है ये फीस स्ट्रक्चर जो है वो 2019-20 सेशन का है। तो इसमें आपको चेंजेस दिखेगा, बस बहुत छोटा स्पेशल थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस फीस में दिखेगा स्टूडेंट, या तो फिर आपका हो सकता है ये फीस जो है वो आपका सेम रहेगा। आपका देखिए यहाँ पे है फर्स्ट जो है वो डिग्री है, यहाँ पे टाइटल कोर्स, यहाँ पे जनरल ओबीसी एससीएसटी बीपीएल पेड सीट और पेमेंट मोड क्या होगा आपका वो देखिएगा। फर्स्ट हम यहाँ पे आपको बता देते हैं सर्टिफिकेट कोर्स के लिए यहाँ पे है। ये देखिए सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है एमनेट का, जो इसका जो जनरल और ओबीसी का फीस स्टूडेंट वो 15,000 है, ठीक है। मतलब कि आप अगर जनरल हैं या ओबीसी हैं तो आपको 15,000 पर एनम पे करना पड़ेगा, मतलब आपको 15,000 रुपया आपको ईयरली लगने वाला है। तो अपने जो कोर्स का पीरियड है आप उसके हिसाब से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे एससीएसटी के लिए 14,000, मतलब 1,000 आपको कम लगेगा। एससीएसटी कैंडिडेट हैं अगर तो उन लोगों को 1,000 कम लगेगा। यहाँ पीए का मतलब है पर एनम, मतलब साल में आपको एक बार पे करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे जीआईएस, ठीक है, दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स है जीआईएस, इनके लिए आपको जनरल और ओबीसी को 22,000 पे करना है, 22,000 आपको पे करना है एक साल में। और वहीं एससीएसटी की बात करें तो उन लोगों को 21,000 ओनली पे करना है, ये आपका ईयरली होगा, ठीक है, पर एनम। नेक्स्ट है यहाँ पे पीजी डिप्लोमा, ठीक है, पीजी डिप्लोमा में अगर आप एडमिशन लेंगे स्टूडेंट तो आपका फी स्ट्रक्चर क्या होगा वो देख लीजिए। फर्स्ट है आपका वो है पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट, अगर ये कोर्स में आप एडमिशन लेते हैं तो जनरल और ओबीसी को आपको 21,000 पे करना पड़ेगा। और वहीं अगर एससीएसटी को बात करें तो इनको भी इतना ही पे करना है 21,000, और ये आपको बता दे पर सेमेस्टर होगा, ठीक है, ये आपका पर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर में आपको 21,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका जितना सेमेस्टर होगा, मान लीजिए आपका 6 सेमेस्टर है तो आप वहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जितना फीस आपको लगना है वो आप एवरेज यहाँ से निकाल सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है यहाँ पे पीजी डिप्लोमा इन काउंसिलिंग गार्डियंस एंड रिहैबिलिटेशन, ठीक है, तो इनके लिए जो है जनरल और ओबीसी को पे करना है वो 15,000, और एसटीएससी को भी सेम पे करना है वो 50,000 पर सेमेस्टर है, ठीक है। पीएस का मतलब है पर सेमेस्टर, आपको एक सेमेस्टर में इतना फीस आपको पे करना पड़ेगा। जो 15,000 है पीजी डिप्लोमा इन काउंसिलिंग गार्डियंस एंड रिहैबिलिटेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे स्टूडेंट जो यूजी के लिए, ये काफ़ी लोग को पता नहीं था, अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन आप बोल सकते हैं स्टूडेंट, तो इन कोर्सेज के लिए अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग फीस है वो आप देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये डिग्री है यू अंडर ग्रेजुएट का है, फर्स्ट है यहाँ पे बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनर्स, ठीक है, अगर आप बीएससी में कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनर्स चूज करते हैं स्टूडेंट तो आपको वो जो है 10,000 एससीएसटी और ओबीसी या जनरल आप कोई भी कैटेगरी से हैं आपको 10,000 रुपये पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा, मतलब आपका 1 सेमेस्टर में 10,000 लगेगा स्टूडेंट, ठीक है। ये आपका बहुत कम फीस है दूसरे कॉलेज के कंपेयर में, ये फुली गवर्नमेंट कॉलेज है स्टूडेंट, इसके लिए आपको यहाँ पे फीस कम देखने को मिल रहा है। अगर आप यही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेंगे स्टूडेंट तो आपको यही सेम कोर्स के लिए आपको ज़्यादा फी पे करना पड़ेगा। सेकेंड है स्टूडेंट बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑनर्स के लिए, इनके लिए भी जो फीस है वो 10,000 है, ठीक है, एससीएसटी ओबीसी और जनरल सभी के लिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर दिया हुआ है। नेक्स्ट है बीएससी इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स, जो बीएससी इलेक्ट्रॉनिक ऑनर्स लेंगे स्टूडेंट इन लोगों को 6,000 पर मंथ आप पर सेमेस्टर पे करना है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लीजिए, यहाँ पे आपको एक एक क्रम बतला दे रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, इन लोगों के लिए 10,000 आपका पर सेमेस्टर पे करना है। वहीं अगर बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस ऑनर्स की बात करें तो इनके लिए भी आपको 10,000 पर मंथ पे करना है।
आगे यहाँ पे बात करते हैं 6 नंबर में बीएससी माइक्रोबायोलॉजी ऑनर्स। अगर ये कोर्सेज में आप एडमिशन लेंगे तो इनके लिए आप भी आपको 10,000 पर सेमेस्टर पे करना है। आप इसको पर सेमेस्टर, आप जितने भी सेमेस्टर हैं आप उनसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका जो टोटल फीस आने वाला है वो आपका एवरेज फीस आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, टोटल फीस आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है बीएससी नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, इनके लिए जो आपको फीस लगने वाला है वो 7,000 एससी एसटी ओबीसी जनरल सभी कैटेगरी के लिए सेम है, ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए यहाँ पे सेम है, आपको ये फी पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन, अगर इस कोर्स में आप यहाँ पे लेना चाहते हैं एडमिशन तो आपको यहाँ पर ईयर, ये ठीक है आप देख सकते हैं ये पर ईयर 75,000 स्टूडेंट, 75,000 आपको एक ईयर में आपको 75,000 पे करना पड़ेगा। वहीं अगर बता दे जिनका बीपीएल कार्ड है, ठीक है, जिनके पास बीपीएल कार्ड है वो अगर कोर्स में एडमिशन लेंगे तो उन लोगों को मात्र 20,000 पे करना पड़ेगा, ठीक है, ये 20,000 आपको पे करना पड़ेगा जिनके पास बीपीएल कार्ड है। तो ये जो दिया हुआ है सिर्फ बीएड के लिए दिया हुआ है और अदर कोर्सेज के लिए नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं पोस्ट ग्रेजुएट का, ठीक है, पीजी के लिए, ठीक है। आप देखिए फर्स्ट में यहाँ एमसीए है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके लिए जो फीस है स्टूडेंट वो है 20,000 पर सेमेस्टर, ठीक है, 20,000 आपको पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है एमएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिनका भी फीस है वो 20,000 ही है, आपको पर सेमेस्टर 20,000 पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है एलएलएम मास्टर ऑफ लॉ, ठीक है, इनके लिए भी आपको 20,000 पर सेमेस्टर पे करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, इनके लिए आपको जो फीस पे करना है वो 20,000 पर सेमेस्टर आपको पे करना है। नेक्स्ट है स्टूडेंट यहाँ पे एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, एमएससी इन्वायरमेंटल साइंस, इनके लिए आपको 10,000 पर सेमेस्टर पे करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, तो इनके लिए भी स्टूडेंट आपको है वो 15,000 पर सेमेस्टर पे करना है, ठीक है, ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको बता दें स्टूडेंट कि यहाँ पे जो एलएलएम है मास्टर ऑफ लॉ, इनमें अगर आप पेड सीट से एडमिशन लेते हैं, ठीक है, पेड सीट पे एडमिशन लेते हैं स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे 20,000 के अलावा 20,000 आपको पे नहीं करना है, आपको यहाँ पे 30,000 लगेगा फीस, मतलब आपका फीस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अगर पेड सीट पे एडमिशन आप अगर लेते हैं तो। नेक्स्ट स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं फी स्ट्रक्चर फॉर बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स एंड बीएससी बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स एंड एमए एंड एमएससी मास्टर ऑफ आर्ट्स और मास्टर ऑफ मास्टर इन साइंस, आपका जो है वो ट्यूशन फीस नॉट चार्जेबल फ्रॉम गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है, आपका जो फी स्ट्रक्चर है वो बीए बीएससी एमए एमएससी का दिया हुआ है। इनमें आपको बता दें ट्यूशन फी है वो कम्प्लीटली डिस्काउंट है, मतलब ये चार्ज नहीं किया जाएगा गर्ल्स कैंडिडेट के लिए। तो जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट आप देख रहे हैं अगर आपको यहाँ पे है वो ट्यूशन फ़ी, यहाँ देखिए ट्यूशन फ़ी 240 रुपये, वो आपको क्या है वो आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है, यहाँ पे 300 रुपये ये आपको पे नहीं करना है। जनरल वाले के 360 रुपये, एमए के लिए और एमएससी के लिए 384 रुपये, तो ये ट्यूशन फ़ी है आपका वो डिस्काउंट हो जाएगा। इसके अलावा जितनी टाइप्स की फ़ीस हैं आपको वो पे करना पड़ेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं बीए ऑनर्स के लिए, यहाँ पे देख लीजिए बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स के लिए जनरल का ये है और एससी एसटी बीसी, ठीक है, ओबीसी मतलब एसटी एससी और बीसी। वहीं अगर आपको बता दें इनका टोटल फीस तो आप देख सकते हैं बहुत टाइप के फीस यहाँ पे, एडमिशन फ़ी, ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, लाइब्रेरी फ़ी, मैगजीन और बहुत तरह के फ़ीस यहाँ पे इंक्लूड है। टोटल फ़ीस की बात करें स्टूडेंट तो आपको यहाँ पे टोटल 2,835 रुपीज़ आपको ये पर ईयर लगने वाला है, ठीक है, ये आपको पर ईयर आपको ये पे करना पड़ेगा। तो आपका अगर 3 साल का कोर्स है, जैसे कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 3 ईयर का कोर्स है स्टूडेंट, तो आपको ये पर ईयर आपको पे करना पड़ेगा जो कि 2,835 रुपीज़ है। वहीं अगर हम बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी के लिए स्टूडेंट, तो यहाँ पे उन लोगों का फीस थोड़ा कम है जो कि है 2,580 रुपीज़, ठीक है, 2,580 रुपये, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इसको आप अपना जो है फीस स्ट्रक्चर देख लीजिए, अगर आप इसको फुलफिल कर पाएंगे तभी आप यहाँ पे अप्लाई कीजिए। वैसे जो फीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है दूसरी प्राइवेट कॉलेजेस के कंपेयर में अगर किया जाए तो, काफ़ी कम फीस है स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे बीएससी ऑनर्स के लिए, तो आपका जनरल एससी एसटी ओबीसी का जो फीस है मैं आपको बता देता हूँ, आपको इनको जो है बीएससी ऑनर्स के लिए आपको जनरल के लिए फीस है वो 2,900 रुपये है, ठीक है, 2,900। वहीं अगर हम बात करते हैं एससी एसटी के लिए तो आपको 2,645 रुपीज़ पे करना है,
ठीक है, एमएससी ऑनर्स के लिए। अब हम आगे बात करते हैं एमए के लिए और एमएससी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एमए का जो है वो जनरल का यहाँ पे है और एससी एसटी ओबीसी का यहाँ पे है। तो आपको बता दें एमए का जो टोटल फीस है स्टूडेंट वो आपको पे करना है वो है 2,965 रुपीज़। और वहीं अगर बात करते हैं एससी एस, ये आपको जनरल के लिए है, ठीक है। और अगर एससी एसटी की बात करें तो आपको 2,710 रुपीज़ ओनली पे करना है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम देख सकते हैं एमएससी का बात करते हैं। एमएससी का बात करें तो जनरल का और ये एससी एसटी और बीसी के लिए है। तो जनरल के लिए एमएससी की बात करें तो आपको 2,991 रुपीज़ पे करना है। वहीं हम अगर ओबीसी एससी एसटी की बात करें तो 2,736 रुपीज़ पे करना है। इसके अलावा बता दें स्टूडेंट यहाँ पे लैब फी है जो सब्जेक्ट ऑप्टेट करेंगे साइकोलॉजी और साइंस या ज्योग्राफी एंथ्रोपोलॉजी इस सब्जेक्ट ऑप्टेट करेंगे उन लोगों को 500 यहाँ पे पेंट करना है और वहाँ पे 250 रुपीज़। तो अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए आपका जो है अलग अलग दिया हुआ है। हम इस जो पीडीएफ है इनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे स्टूडेंट, आप वहाँ से कम्प्लीटली इनको देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे जो फीस होते हैं जो आपको ईयर वाइज जो पे होते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है फिजिकल सर्वे जियोग्राफी ओनली इन बीए सेमेस्टर 4 एंड एमए इन सेमेस्टर 3। तो ये एक्स्ट्रा फीस जो आपका है वो अलग अलग ईयर में थोड़ा थोड़ा वैरी करेगा, ठीक है। जैसे आपको 600 यहाँ पे, 500 यहाँ पे, 800 यहाँ पे, 1000 है। तो अलग अलग जो है आपका फीस वैरी करेगा थोड़ा थोड़ा, बट जो आपका एवरेज फी है स्ट्रक्चर है वो आपको मैं बता दिया, ठीक है। आपको इसके अलावा और कोई भी तरह का फीस आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपका फीस स्ट्रक्चर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची का। और हम इसी तरह के और वीडियो फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड लाते रहेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी कोई इसका फीस स्ट्रक्चर जान सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।